हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आर्या कैरियर एकेडमी में। आज हम लोग CHSL का मैथ्स का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं, इसमें दो पार्ट बनाया गया है। 4 से 11 तारीख का जितना भी मैथ का क्वेश्चन आया है सारे को डिस्कस किए। अगर रिपीटेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत बताया गया है कि ये आ सकता है, ठीक है। और जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे को हम लोग डिस्कस किए हैं। और देखिए, अगर आप नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो वहाँ जाइए, पिछला वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए हम लोग आज का सेशन चालू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आया इसमें, एक क्वेश्चन आया है कि देखिए, एक ट्रेन है, ट्रेन का लंबाई दे दिया 100 मीटर। दूसरा ट्रेन है, उसका लंबाई दे दिया 180 मीटर। इसका स्पीड दे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। S2 का स्पीड दे दिया है 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका दोनों को एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, तो एक दूसरे को क्रॉसिंग करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका T1 + T2 / S1 + S2। तो देखिए, 280 हो गया, स्पीड दोनों का कितना हो गया, 72, ठीक है। अब देखिए, ये किलोमीटर है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलते, 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 50 25 5 6 30, 18 18 4 72, 4 से हो गया 14 सेकेंड। इसी क्वेश्चन को अगर सेम डायरेक्शन में पूछता तो यहाँ स्पीड को माइनस कर देते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक मान लीजिए कि दिया हुआ है कि P+Q जो है, P+Q, ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 8 दिन में करता है। Q+R जो है 16 दिन में करता है। R+P जो है वो 8 दिन में करता है। तो इसमें पूछा है कि P कितना दिन में करेगा, P काम को कितना दिन में करेगा, Q कितना दिन में करेगा, R कितना दिन में करेगा। तीनों का अलग अलग निकालना है। तो इसका हम आपको एक चीज़ बता चुके थे कि तीनों का LCM ले लीजिए, तीनों का LCM ले लीजिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, यहाँ से देख लीजिए आप LCM लेके। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 16, 8 × 16 1, 8 × 16 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो 2, ये P देखिए दो दो बार है, तो 2P+Q+R, ये सबको जोड़े तो 2P2Q2R आएगा। तो 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ से हो गया 5, ठीक है। तो P+Q+R कितना हो जाएगा, 2.5। तो अब देखिए P का निकालना है ना, तो QR कितना दिया हुआ है, 1, QR 1 दिया हुआ है, तो P का वैल्यू कितना होगा, 1.5। तो 16 काम को 1.5 दिन में करेगा P, 1/5 की एफिशिएंसी। तो पंक्ति यही 15, पंक्ति यही 15, 5 × 10, तो ये हो गया 32/3 दिन, ठीक है। तो अब देखिए, उसी तरह Q का निकालना हो तो Q का निकालना होता है, RP कितना हो, 2, तो Q हो गया 0.5। तो Q कितना दिन में करेगा, 16 को 0.5, तो यह 10 हो जाएगा, 5 × 15 = 10, यह 32 दिन में कर देगा। उसी तरह R का निकालना हो, यहाँ पर Q का निकाले थे, अब P का निकालिए, अब R का निकालना हो तो ये 2, तो वो भी फिर 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो 16 / 5 × 10, 15 15 5 32 दिन में। तो ये तीनों का हम लोग निकाल दिए। और तीनों अलग, अदि पूछता कि P+Q+R कितना दिन में करेगा, तो P+Q+R अदि 2.5 है, तो 16/25 यहाँ से हो गया 50 25 15 5 × 10, 32/5 दिन में, तो 5 6 6.2 दिन में। तो देखिए, क्वेश्चन आया था कि P+Q+R कितना दिन में करेगा, तो 6.2 दिन में। मगर अगर ये वही क्वेश्चन आ जाएगा तो पी कितना दिन में अकेले करेगा, क्यू कितना दिन में करेगा और आर कितना दिन में करेगा। तो सबसे आसान तरीका है, एलसीएम लीजिए, जो यहाँ पर एफिशिएंसी है उसको देख लीजिए कितना आ गया, PQR का 2.5 है। अब देखिए, पी पूछा तो QR का कितना है, 1, तो 1 इसमें से घटा दीजिए, कितना, 1.5। तो 1.5 के एफिशिएंसी से 16 काम करना है तो कितना दिन में कर लेगा, इतना दिन में। उसी तरह सब आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, रोम्बस से देखिए, एक रोम्बस दे दिया है,
ठीक है, रोम्बस, रोम्बस का क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है, ठीक है। तो इसका डायगोनल D1 दे दिया है 8, D2 दे दिया है 6, तो अब पेरीमीटर पूछा गया है। तो देखिए, डायगोनल दे दिया है 8, D2 दे दिया है 6। तो देखिए, जो रोम्बस का जो दोनों डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वो 90 डिग्री होता है, और वो आधा आधा में बांट देता है। तो ये 4, तो ये भी 4, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। तो उसी तरह यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। तो ये क्या आ गया साइड, 5 3 4, ये 5 आ गया ट्रिपलेट के अनुसार, ठीक है। ये 90, अब ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक का साइड 3 है, एक का साइड 4 है, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। तो पैरामीटर कितना हो गया, 5 10 15 25 20 आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन आसानी आ रहा है, बस आपको समझने का फेर है। एक क्वेश्चन देखिए, ये आया है 7m+1 इक्वल टू 2401, फाइंड 01, फाइंड 2 पर पावर m+2। देखिए एक चीज, देखिए बेस को सेम करना है, यहाँ पर क्या करना है, बेस को सेम करना है, 7m+1 इक्वल टू 7 पर पावर 4। अब देखिए कैसे, ये कैसे आया 7 पर पावर 4, 2401, 7 से कीजिए, 7 लिखे 21, 7 दुनी के 14, 21 तो यहाँ 3 होगा ना, 7 चौक, यहाँ पर देखिए गलत कर रहे थे, 7 लिखे 21, 7 चौक 28, 7 लिखे 21, फिर 7 से कीजिए, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7। तो देखिए 1 2 3 4, तो 7 पर पावर 4 है, तो इस चीज़ को 7 पर पावर 4 लिख सकते हैं। तो बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो गया, 3। अब पूछा क्या है, 2 पर पावर m+1, तो 2 पर पावर 3+2, तो 2 पर पावर 5, और 2 पर पावर 5 का वैल्यू क्या होता है, 32, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो हो गया 2 पर पावर 5। ये तो इसका 32, 2 दूनी 4 8 16 32, ठीक है, तो इसका 32 आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो देखिए 12 LCM ले लिए, ठीक है, ये 3, तो a+b इसको 12/3, 4 दिन में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हम, ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये आया है आपको लगता है 7 या 8 तारीख को, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए दिया है कि किसी गांव का पॉपुलेशन जो है वो 2 लाख है, ठीक है, और 10% जो है हर साल बढ़ रहा है, एवरी ईयर, ठीक है, तो वो 2 साल बाद कितना होगा, आफ्टर 2 ईयर उसका पॉपुलेशन कितना होगा। तो देखिए इसका सबसे तरीका, 10% बढ़ रहा है, तो 10 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/10, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/10, तो मतलब 10 था तो 11 हो रहा है, ये पहला साल में बढ़ा, फिर दूसरा साल में 10 से फिर 11 हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 121। तो ये जो है 100, यही तो ये दिया हुआ है 2 लाख के बराबर, ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2000, तो 121 बराबर कितना हो जाएगा, तो 121, 121 इंटू 2000, ठीक है, इतना हो जाएगा पॉपुलेशन, 42,000 के करीब में बढ़ जाएगा, पहले 2 लाख था, अब 2,42,000 हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को यहां पर किए हैं, ठीक है, 1 बराबर 2000 है, तो 121
बराबर कितना होता है 121 इंटू 2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन है ट्रेन से, ट्रेन का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 300, स्पीड जो है वो दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम जो है वो दिया हुआ है 15 इसको लेंथ ले लो, ट्रेन का ये ट्रेन का लेंथ है 300, टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड, ठीक है। तो अब बोल रहा है लेंथ खोजने के लिए ब्रिज का, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से, देखिए इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो देखिए लेंथ जोड़िए, ब्रिज का लेंथ कितना है, ब्रिज का लेंथ को हम लोग एल मान लेते हैं, एल हो गया, और ये टाइम दिया हुआ है चाहे स्पीड दिया हुआ है तो स्पीड से ही घटा लेते हैं, तो टाइम निकलेगा, देखिए डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यही बोल रहे थे हम भी। उसी क्वेश्चन पर कुछ नहीं करना है, 15 सेकेंड ये किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 300 प्लस एल, 18 ऊपर चल गया, 250 बराबर 15 सेकेंड, ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो देखिए 1800 प्लस 6L इक्वल टू 25 × 5 = 125, 0, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसमें से इसको घटा लीजिए, ठीक है, और आप बोलेगा कि माइनस, तो वो देखिए लेंथ कभी माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ से आपको एल का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए हो सकता है डाटा में कुछ इनकरेक्ट है इसके चलते, नहीं तो वो एग्जैक्ट आपको पूरा प्रॉपर आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा लेंथ बराबर 550/6, ठीक है, ये ब्रिज का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल का। देखिए एक सर्कल दे दिया था, और सर्कल में क्या किया है, इसका कॉर्ड का लेंथ दे दिया है 10, रेडियस दे दिया था 13, और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड निकालने के लिए बोला गया था। तो देखिए और कॉर्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट टू सेंटर है, ये भी 10 हो गया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये 13, ये 13 दे रखा है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि सेंटर से कोई परपेंडिकुलर जाला जाए तो वो कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है बराबर बराबर। तो देखिए ट्रिपलेट आपको पता होता है कि 5 के साथ यदि परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस 5 है तो ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 + 12 = 24। तो दोनों के बीच का, दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 24, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब रेशियो का क्वेश्चन करते हैं। एक दिया हुआ था ए बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7/33, बी बाई ए प्लस सी इक्वल टू 2/9, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो अब देखिए इस चीज़ को आप करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, देखिए आप देख रहे हो कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 33 दिया है, तो हम एक बार करते हैं क्या है, यहाँ पर तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, 10, 11 ही आ रहा है, तो 11 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे, 33 हो जाएगा 3 का, तो हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 = 6, यहाँ 27, 27 × 6 = 33, मतलब कि अब ये हो गया, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 6, ठीक है, ए का वैल्यू कितना हो गया 7,
ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, तो रेशियो कितना हो जाएगा 6:2, 7:6:20, ए बी सी का ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन बराबर 10 है, डिफरेंस बिटवीन देखिए एन साइड दे दिया है 10, और डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड, एक बार लिख लीजिए इसको अच्छा से, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, 2n-4 इंटू 90 बाई एन, ये हो गया इंटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल का 360 बाई एन, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 20, 20 में 4 गया 16 इंटू 90 बाई 10। सौ चौवालीस हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए 360/10 36। तो अब देखिए इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर बराबर 144-36, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 801। ठीक है, ये हो गया आंसर, ये भी सीएचएसएल में पूछा गया है अभी फिलहाल में। ठीक है, चलिए देखिए और क्वेश्चन जो भी आया हुआ है सारा जो है ना रिपीटेड टाइप के आ रहे हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। फिर क्वेश्चन था रेडियस दे दिया है 14, ठीक है, तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको इसका पता है फॉर्मूला 2πr² देखिए ये तो सबसे आसान है, 22/7, 14×14, 7×2=14, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट शिफ्ट में क्या किया, रेडियस को 14 दे दिया और हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया गया, तो यहाँ पर 3πr² हो जाएगा। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, 3 22/7 14×14। ठीक है, × 14 इतना आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन सेम ही आ रहा है, बस उसका थोड़ा 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 पैटर्न को बदल देते हैं लोग। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और है। देखिए 8,000 एक अमाउंट दिया हुआ है, और ए पार्ट जो दिया हुआ है, ए पार्ट 21% है, बी पार्ट दिया हुआ है, बी अपने कितना दोनों का पर एनम मतलब बराबर कर दिया है एक तरह से, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं चला है, 35%, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस तरह। ठीक है, 8,000 अमाउंट है, ए 21%, बी 35%, तो दोनों का अलग अलग शेयर पूछा है, तो देखिए 21A बराबर में 35B, ए बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7×5=35, 7×3=21, तो टोटल 8 बराबर कितना हो जाएगा 8,000, तो ए कितना हो जाएगा 1,000, तो ए को कितना मिला 5,000 अमाउंट, और बी को कितना मिला 3,000 अमाउंट। ठीक है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है कि 8,000 है, ए अपने अमाउंट का इतना परसेंट, मतलब कि इतना परसेंट ए अमाउंट, ए को इतना परसेंट मिलता है, बी को इतना परसेंट मिलता है, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है, एक पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है, इफ देयर इज मल्टीपल ऑफ 7 7 टाइम्स फाइंड एवरेज, तो ये देखिए 7 का
सात बार मल्टीपल, सात, 14, 21, 24, 28, 35, 42, 37, 49। अब इसका एवरेज पूछा है, तो देखिए 3, 3, 6, 7 है, तो जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, एवरेज। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ए को 600 रुपया मिलता है, बी को 800, तो पूछा है ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 का, किस पर, बी पर 100, ये 25%, ए जो है 25% कम है बी से, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो ये शुरू में ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक एक चीज़ और, एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग को डिस्कस करना ही होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं उसको, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको देखा बता रहे हैं हम, क्वेश्चन जानते हैं, वो है पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि ए और बी का जो है इनकम दे दिया है, मतलब मान लीजिए 7:8 दे दिया है, और एक्सपेंडिचर भी दे दिया है ए इज टू बी का, मतलब मान लीजिए कि 9:8 दिया। इसका डाटा, ये जो भी क्वेश्चन लड़का भेजा उसका डाटा एग्जैक्ट उसको याद नहीं है, बट बताया कि एक इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया है, तो प्रॉफिट पूछा है, तो आपको इस परसेंटेज मतलब पार्टनरशिप का भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में पूछा गया है, इसीलिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा पार्टनरशिप को। चलिए जितना भी क्वेश्चन आया था 4 से 11 तारीख तक का, हम लोग उसको डिस्कस कर लिए। चलिए थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।